कुबेर के मायावी विशाप, हम टाइगर साम्राज्य के महाराज भद्रशाली आपको नमन करते हैं और ये मायावी पत्थर जिसमें हमारी सारी ताकत बसी है आपको भेंट करते हैं। आप इसकी रक्षा करें ताकि हमारे मरने के बाद भी इस किले पर कोई कब्जा ना कर सके। हे मायावी विशाख, इस कार्य के लिए हम आपको अपने चार महान योद्धाओं की बलि चढ़ाते हैं। ले जाओ इन्हें। इसी प्रकार बलिदान देते रहेंगे और आप इसी प्रकार हमारे खजाने की और इस मायावी पत्थर की रक्षा करते रहिए। पहुंची गए। अरे मेरे मॉनिटर पे वाइब्रेशन आ रहे हैं। इस तरफ चलो। वाइब्रेशन यहां बढ़ रहे हैं। अरे और बढ़ रहे हैं वाइब्रेशन यहां पर। ये तो खुल रहा है। अंदर जाने का रास्ता मिल गया लगता है। Let's go inside. Vibrations बढ़ रहे हैं। ये आसपास ही कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। Guys, new place, new activity. मुझे तो हर एक पल रिकॉर्ड करना है। बहुत मजा आएगा। वाइब्रेशन और बढ़ रहे हैं। इस तरफ लेफ्ट में। अरे यहाँ सिग्नल बहुत ज्यादा मिल रहा है। शिंदे वो देखो क्या पड़ा हुआ है वहां।
जी सर। सर ये गांव वाले सही कहते हैं, यह जगह शापित है। यहां दिन में शांति और रात को भूतों का बसेरा हो जाता है। गौर से देखो, यहां पर कोई निशान तोड़फोड़ कुछ नहीं है। नहीं सर। फिर ये लोग अंदर कैसे जाते हैं? ओ लॉक देखो, लॉक वो वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। सब मैंने तो सुना है कि जो इंसान भूतों की पकड़ में आ जाए ना, हाँ, उसके लिए क्या दीवार क्या ताला। सब इन लोगों को गांव वालों ने मना भी किया था यहाँ पर आने से, लेकिन माने नहीं ये लोग, जिद किए और यहाँ आ गए। सर किसी पुरातत्व की खोज के लिए आए थे सर यहाँ पर, और यहाँ पर आकर गायब हो गए। वैसे इस साल की यह छठी वारदात है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, हम ये सब क्या कर रहे हैं? अगर पकड़े गए तो वाट लग जाएगी। प्रोफेसर जायसवाल ने जस्ट टियागा किले के बारे में जिक्र किया है, कहा जाता है वहाँ बहुत बड़ा खजाना है, और उस खजाने तक पहुँचने के लिए नक्शा हमें यहाँ से मिलेगा, और अगर वो नक्शा मिल गया तो हम उस खजाने तक भी पहुँच सकते हैं। बट इस तरह की चीजों के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है जानेट। तुम बचपन से फटू थी यार, वक्त ने किया कुछ। शट अप यार, लक्ष्य है। अगर इसमें खजाने का नक्शा हुआ तो विक्रम ओपन दिस। गिव मी पेन। नो विक्रम, प्रोफेसर की टेबल है, इसको भी खोलोगे क्या? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। कितना डरती है यार। बट इट्स द प्रोफेसर्स टेबल। आउट हियर। This is so scary. ये क्या? ये क्या? Wow, ये वही मैप है ना? ये किला 500 साल पुराना है। जेनेट, बट ये किला है किसका? ये किला है राजा भद्रशाली का। वो इतने बलशाली थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारी थी, और कहा जाता है कि उनके होते हुए इस किले पर कोई अपना हाथ भी नहीं रख पाया था। Hey guys, ये देखो देवनागरी में क्या लिखा है। कुबेर का धन? का धन। धन? धन means पैसा। Guys, I told you, इस किले में खजाना है। It's there. यार अगर खजाना होता तो किसी ने किसी को मिल गया होता यार। ये सब बात ऐसे ही है यार। कैसे मिलेगा? यहाँ के गांव वालों ने ऐसी मन धड़क कहानियां बना के रखी है कि यहाँ जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है, और हम हिम्मत कर रहे हैं। जानेट, ये कहानियां सच भी तो हो सकती है ना? साक्षी, तुम इतनी एजुकेटेड होकर इन रूमर्स में बिलीव कर रही हो। गाइस प्लीज, इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं ना, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। यार मैं तो कहता हूँ कि गोवा के प्लांट ठीक रहते हैं। यार देख, मेरे पास पापा की कार भी है, पूरे वीकेंड रहने वाली है। कहाँ यार ये खंडरों का चक्कर काटते रहेंगे एडवेंचर के चक्कर में। He is right, Janet. गोवा हम लोग कभी भी जा सकते हैं। यहाँ चलते हैं ना। Janet, ये वही पत्थर है जिससे राजा भद्रशाली को शक्ति और ताकत मिलती थी। Janet, ये पत्थर हमें कहाँ मिलेगा? ये पत्थर उस खजाने के साथ उसी किले में दफन है। I'm telling you guys. Let's do this. हम चलते हैं इस एडवेंचर पे। Please. I mean. Awesome. No. अब ये है
ये इन्हें तो साक्षी तो इन होगी। चलते हैं खंडर का एडवेंचर करते हैं। यार 5 किलोमीटर नजदीक आ गया यार। Yep. We are at the right place. Confirm है? बिल्कुल। Guys, अगर इस किले के अंदर जाना अलाउड ही नहीं है तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो डेफिनेटली होगी, फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? कोई नहीं होगा वहाँ पे, मैंने वो पेट्रोल पंप पे पता कर लिया था। शाम होने के बाद वहाँ कोई रुकता ही नहीं है, बस हम आराम से एंटर कर सकते हैं। गाइस वी गॉट टू गो अहेड, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, चलो ना, कम ऑन। साक्षी कम। Finally, हम लोग पहुंच गए। This is it, guys. Guys, are you sure हमें ये करना चाहिए? She... जनेट, मैप पे देख रास्ता किधर है? हाँ। वो सिंबल के पास ही उस फोर्ट की एंट्री है। ये रहा सिंबल। Yes. यानी ये सिंबल यही कहीं है। चलो देखते हैं। Are you sure about going in? Sakshi, क्या की रहा यार? This is the route, yeah. Look so scary. I don't want to go. Map पे यही route है. Please, Sakshi, चलना. नहीं मुझे नहीं जाना. This is the adventure. इसलिए तो आए हैं हम लोग. कोई एक. चल. ना डरने वाला कौन सा adventure होता है? गया. वापस चलते हैं यार। Okay. This is not a good place. Please वापस चलते हैं। अरे पुरानी जगह तो बेस्ट तो होंगे ना। ये आवाज क्या है? तेरा आवाज आई है? कैसी बात कर रहा है यार? क्या आवाज आ रही है? लक्ष्य मुझे आगे जाना। जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जाने वापस चलते। जाने प्लीज आगे मत जाओ यार। हाँ नहीं कुछ नहीं है, बस हाँ ये बंद है जगह। धीरे चलो यार। यार ये केप तो खत्म ही नहीं हो रहा है यार। यार मैं कह रहा हूँ एक बार मैप तुम लोग देख लो यार। एक मैप पे लेकर एक बार। सीधा ही जा रहा है। यही टनल है। यहाँ से अपने को सीधा जाना है। हाँ, चलो। साक्षी देख के जाले। देख के संभाल के। इधर। राइट ही रास्ता। साक्षी कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था यार। रिलैक्स। तू फालतू में डर रही है। अरे लाइन लक्ष्य मैंने देखा। कुछ नहीं था यार। रिलैक्स कम कुछ नहीं। आजा। कुछ नहीं चलो कम आजा। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ वहाँ से पास क्या यार? लक्ष्य कम ऑन यार, मजाक बंद कर। साक्षी वैसे डरी है यार। मैंने देखा यार, अभी यहाँ से पास किया यार। ठीक है, पूछ रही है।
चलो चलो गाइस कम ऑन यार कम में यार प्लीज यार मजाक नहीं है लोग सब साथ में चल आ जा कुछ नहीं होगा मिनट समझाना है चलो ना कुछ नहीं है सही तो जा रहा ना हां तुम अब टेलिंग करा हां अच्छा कम 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 वो देखो वो क्या है कब किसने जलाए जैनेट तुमने तो कहा था कि ये जगह हजारों सालों से बंद पड़ी है तो फिर ये दिए किसने जलाए होंगे अरे कोई है यहाँ पे कुछ आवाज सुनी यहाँ पर कोई है साक्षी कुछ नहीं है बेबी कुछ नहीं है पुराना खंडर है ये हमारी आवाज हमें सुनाई दे रही है यार, वो क्या? कुछ नहीं है यार मास्क है यार वो क्या कुछ नहीं है यार मास्क है चुप डरो मत तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं भी इंसान हूँ तुम लोगों की तरह मैं भी तुम लोगों की तरह इस जगह पे फंसा हुआ जब मैंने तुम लोगों की आवाजें सुनी तो मैं डर गया और घबरा कर मैंने उस मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया आज कितनी मुद्दतों के बाद मैं इंसानी चेहरे देख रहा हूँ कब से हो तुम यहाँ मैंने गिनती करना छोड़ दिया है ना जाने कब से यहाँ कैद झूठ बोल रहा है ये जरा सोचो कोई यहाँ इतने दिनों तक कैसे रह सकता है तुम देखा था ना बाहर से बंद है हम सबको बेवकूफ बना रहा है ये मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने यहाँ रहना सीख लिया दरअसल मैं भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया था रिसर्च करने के लेकिन ये जगह एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ हम सब दोस्त फंसते चले गए और फिर एक एक करके हम एक दूसरे से अलग हो गए बाहर का रास्ता खोजने में और उसके बाद मैंने अपने उन दोस्तों में से कभी भी किसी को नहीं देखा सब गुम हो गए तो तुमने कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की बहुत कोशिश की मैंने लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इन ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ नहीं सका और तब से इसी इंतजार में इस भूल भुलैया में बैठा रहता हूँ कि कोई ना कोई भूला भटका इंसान कभी यहाँ आएगा जो मुझे इस मनहूस जगह से बाहर निकालेगा और देखो तुम लोग आ गए